मनुष्य शरीर इस जीवात्मा को बहुत ही पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्राप्त होता है और मनुष्य शरीर पाके जो प्राणी सत्संग के अंदर आते हैं वो और भी ज्यादा शुभ कर्मी हंस आत्मा होती है। और जो सत्संग में आकर के गुरुदेव से के सत्संग को सुनकर संतों के विचार सुनकर और उपदेश ले लेते हैं उनके उन कर्मों का कोई हिसाब नहीं लग सकता, उनकी कोई गणना नहीं होती। अर्थात वो देव पुरुष हैं ऐसे कलयुग में जो परमात्मा की कृपा से सत्संग में आते हैं और उसकी तलाश के अंदर हैं, भगवान की उनको चाह है। सभी संत और सभी शास्त्र यही प्रमाण देते हैं कि ये मनुष्य शरीर इतना सस्ता नहीं है जितना आपने सोच रखा है। ये देही सौंघी नहीं, महंगी रत्नों मोल, ये देही ये शरीर इतना सस्ता नहीं है, ये तो रत्नों के हिसाब से इसकी कीमत है। मनुष्य शरीर से हमने क्या करना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये संत और शास्त्र ही हमें प्रमाण दिया करते हैं। हम संसारिक व्यक्तियों के साथ रहते हैं, उन बेचारों ने केवल अपनी रोटी और रोजी का ही विशेष ज्ञान होता है, अन्य ज्ञान वो नहीं दे सकते आपको। जो विशेष ज्ञान हमने चाहिए वो संत और शास्त्र देते हैं। शास्त्रों को आप संतों के बिना समझ नहीं सकते। गुरु बिन किन्हे न पाया ज्ञाना और जो थोथा बुझछड़े किसाना, यही गीता जी, यही कबीर साहब का शास्त्र, गरीबदास जी का ग्रंथ साहब और अन्य संतों की वाणी पहले बहुत महापुरुष भक्त आत्मा पढ़ा करती थी, लेकिन अब जो पढ़ोगे अब तुम्हें विशेष आनंद आएगा, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया कि यहां पर वो परमपिता अपनी वाणी से क्या हमें समझाना चाहते हैं और पहले हम इसका क्या अर्थ लगाया करते थे। तब ये आत्मा की खुराक इस आत्मा को श्रेष्ठ मिलेगी और फिर ये आत्मा उस परमपिता को पाने के लिए तड़प उठेगी। और जिनकी आत्मा जाग गई उन्होंने अपने तन मन और धन की परवाह नहीं करी उस ईश्वर को पाने के लिए। रात्रि में कल आप सत्संग सुन रहे थे कि और बात तेरे काम नहीं आवे, संतों सरने लाग रे और क्या सो हुआ गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जागना कौन कैसे है और सो कैसे रहे थे, हम सो रहे थे अज्ञान अंधेरे में इस मोह ममता की निंद्रा के अंदर। हमने केवल अपनी संतान और संपत्ति और अपनी रिश्तेदारी, अपनी रोटी और रोजगार यही दिखाई देता और कुछ नहीं दिखाई देता, इससे आगे हम नहीं जागे थे। और ज्यादा शाम न फिर एक गुटी ला लेते, कोई ताश खेल लेता। अब पता चला कि मनुष्य शरीर ऐसे बर्बाद करने का नहीं था, रोजी और रोटी के साथ साथ ईश्वर की आराधना उससे भी ज्यादा उत्तम थी, अति आवश्यक थी। ये ज्ञान संत ही दिया करते हैं और जब हम सत्संग में आते हैं तो फिर हम जागते हैं। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये शरीर एक चलती फिरती धर्मशाला है और ये इस शरीर में एक जीव है, उसको विशेष रूप से ये अलॉट है, उस जीव आत्मा को ये मिली हुई है। और ये इसलिए मिला था इसको कि आप इससे अपने व्यापार बिजनेस को बढ़ाना है,
इस धर्मशाला में रह के ये किराए पे मिली है हमें, जितना हम अपना पुण्य वहां जमा करा कराए हैं इतने दिन के लिए हमें मिला है ये, इसके बाद ये छीन लिया जाएगा जबरदस्ती, आपके पास नहीं रहेगा। इसमें हमने जो करना है, इससे जो काम करना था, इस धर्मशाला में रह के हमने यहां जो व्यापार करना था उसको हम भूल गए और ये टोटा हमें इतना हानिकारक होएगा कि वो परमात्मा जिसने हमें अपनी पूंजी देकर के यहां भेजा था कि इस सौदे को बढ़ाना है आपने, हम बढ़ा करके ना के घटा रहे हैं, बढ़ा नहीं पा रहे। जब हम संतों के शरण में आते हैं तो हमने इस सौदा करने के तरीके का ज्ञान होता है और फिर हम जाग जाते हैं और फिर हम अपने उस मूल काम को पूरा कर जाते हैं। कौन कौन जागे, कैसे जागे, ये आपको सत्संग के माध्यम से ये 5 दिनों में सारा सुनाया जाएगा। इस तन शराब में जीव मुसाफिर करता रहे, दिमाग रे रात बसेरा करने, डेरा चले सुबेरा त्याग रे। ये सारा जीवन एक रात्रि है, इसमें हम ये स्वप्न देख रहे हैं और जब ये स्वप्न टूट जाएगा यानी ये शरीर समाप्त होगा, जब हम यहां से चलेंगे सुबह उठकर, जैसे प्राणी रात्रि में स्वप्न देखा हुआ ढूंढता है कि मैंने क्या देखा था, मैं कहां था, वो क्या वस्तु है, वो कहां गई है मेरी सारी वस्तु जो मैंने सपने में प्राप्त थी, तो देखता है कि वो कुछ नहीं था, ये तो वैसे ही मेरा भ्रम था। ऐसे ये स्वप्न देख रहे हम, जब ये स्वप्न टूटेगा, जब हम ऊपर चलेंगे तब हमें याद आएगा कौन था मेरा बेटा और कौन कहां थी मेरी कार वो कोठी, तो ये सोचेगा ये तो वैसे भूल भुलैया थी, कुछ भी नहीं था अपना, अपना होता तो आता मेरे साथ, जैसे सपने में हम देख रहे थे तो जागने के बाद भी वो मिलना चाहिए था हमें। ऐसे ही जो जाग जाएंगे इन बातों ने सुनकर, इन विचारों को सुन करके, फिर ये आत्मा तड़पेगी उस परमात्मा ने पाने के लिए। आगे सतगुरु महाराज बताते हैं कि उमदा चोला बिना अनमोला, ये शरीर एक बहुत ही अनमोल वस्तु है, इसको इसकी महिमा से हम पूर्ण रूप से परिचित नहीं है। हमने तो बस ये इसका मान रखा है कि बच्चे हो गए, अब इनको पालन करेंगे और फिर इनका ब्याह कर देंगे, विवाह करके फिर अपना जीवन सफल हुआ, भगवान इनको संतान दे फिर हम बेशक मर जावे कोई दिक्कत नहीं। ये तो आप सोचो तो भी होना है, ना सोचोगे तो भी होना है, क्योंकि ये तो आपका संस्कार प्रारब्ध है, इसको कोई फेरबदल नहीं कर सकता, ना ये आपके चाहने से होगा ना आपके करने से होगा, इसके लिए करवाने का मैटर हमारे अंदर पहले ही परमात्मा ने फीड कर रखा है, उसके आधार पर ये अपने आप कठपुतली चलती रहेगी, इसके बस की बात नहीं है। संतान हमारे चाहने से नहीं हुई, ये कोठी और बंगले कार हमारे चाहने से नहीं हुई, ये पिछले किए हुए संस्कार आज आपके फल रहे हैं और यही फलेंगे। जब तक हम पूर्ण संत की शरण में नहीं आएंगे, जब तक हम किसी संत का आसरा पूरे संत का नहीं लेंगे, तब तक हम केवल अपने प्रारब्ध का भोग ही भोग रहे हैं। जब हम संत शरण में आ जाएंगे तो उसमें हमें अपनी क्रिया भी बदल दी जाती है संत के माध्यम से हमारी, और फिर हमारे संस्कार भी बदल जाते हैं और हमारी सारी क्रिया में अंतर हो जाता है। बाकी परमात्मा की तरफ से हमारा एक सुनियोजित सारे जीवन का हिसाब किताब लगा के हमारे मस्तिष्क में और सब जगह हमारे हाथों में पहले ही अंकित है, क्या होना है, कितनी संतान होनी है, क्या आपको संपत्ति मिलनी है। जब हम पूरे परमात्मा सतपुरुष कबीर भगवान की शरण में आ जाते हैं फिर हमारे होने वाली हानि बंद हो जाती है, आने वाले कष्ट भी टलने शुरू हो जाते हैं।
कबीर साहब कहते हैं, संत शरण में आने से आई तले बला अर्जे मस्तिक में सूढ़ी हो कांटे में टल जा। पूरे परमात्मा कबीर भगवान की शरण में आने से हमारे मस्तिष्क में भाग्य में यदि फांसी टूटना हो, मत सजाए मौत हो, इस परम पिता की कृपा से वो भी टल जाता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।